अस्सलाम वालेकुम भाई। सुबह ही सुबह जामा मस्जिद आ गया नाश्ता करने के लिए, तो सोचा कि बहुत सारे नाश्ते आप सब ने देख रखे हैं, तो मैं आज आपको दिखाऊं थोड़ा सा एक्सपेंसिव नाश्ता जिसके अंदर क्या है, वेज भी होगा और नॉन वेज भी होगा। जामा मस्जिद मेरे पीछे है, तो भाई इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको एक बेहतरीन नाश्ता दिखाऊँगा जामा मस्जिद का एक्सपेंसिव नाश्ता। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हमारा कल्लन स्वीट का, जहाँ देसी घी की पूरी मिलती है, हलवा मिलता है, लस्सी मिलती है, तो भाई मज़ा आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो होगा वो इसके बाद बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो भाई, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा कल्लन स्वीट। कल्लन स्वीट पर लेके चलता हूँ, यहाँ की देसी घी की पूरी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार है, तो आओ चलते हैं। तो जी मेरे सामने आप देखें कल्लन स्वीट, यहीं आपको लेके चलता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया यहाँ का जायका होता है भाई, और यहाँ पर आपको देसी घी की मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी। ये देखें आप, एकदम फ्रेश, सिर्फ यहाँ पर हर चीज़ आपको देसी घी की ही मिलेंगी। और ये देखें यहाँ पर देसी घी का हलवा, ये हलवा किस चीज़ का होता है? सूजी का हलवा होता है। ये देखें आप, और यहाँ पर देखें आप, ये है पूरन का पूरा पूरी का सेटअप, और यहाँ पर रबड़ी भी है, खीर भी है, रसमलाई भी है। ये देखें आप, और ये देखें आप आराम से, ये और ये आई पूरी, और यहाँ देखें आप, भाई साहब प्योर देसी घी की पूरी होती है, आप ये समझ लो। बताओ, ये देखें आप, देख रहे हैं आप, अब दिखा दीजिएगा ज़रा सर। ये देखो जी आप, पूरी देख सकते हैं माशाल्लाह, ऊपर करिए थोड़ा सा, ये देखें आप, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सर। और यहाँ पर मैं आपको सब्जी दिखाऊं, ये देखो पूरी प्लेट, और ये देखो इनकी चने की सब्जी है भाई साहब, है ना, चना है ये, पोटैटो, और ये यहाँ पर आलू की सब्जी है, थोड़ा आलू की चला के दिखाइए ज़रा, ये देखें जी, और ये भी देसी घी में बनती है, देखो जी ये भी देसी घी में बनती है, बहुत बढ़िया सर, आ जाइए। और यहाँ गरम गरम हलवा देख लें आप, बस देसी घी के साथ, ये देखें आप हलवा, भाई साहब मज़ा आ जाएगा आपको, ये देखें आप, जामा मस्जिद का वीआईपी नाश्ता मेरे सामने आ चुका है, एक्सपेंसिव नाश्ता दिखा रहा हूँ आज आपको, मज़ा आ जाएगा, वो भी देसी घी का। तो मैं हूँ कल्लन स्वीट, और यहाँ की मेरे पास क्या है, थाली आ चुकी है, दो पूरी हलवे के साथ, रायता भी, आलू की सब्जी भी, आपको मैं दिखाता हूँ पास से थोड़ा। आप ये देखें आलू की सब्जी कितनी लाजवाब लग रही है, बढ़िया लग रही है एकदम, हाइजीन के साथ एकदम लाजवाब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोले, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े छोले हैं, ये देखें आप, और ये दो पूरी देखें आप भाई साहब, पूरी का साइज देखें, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको क्या है ऑयल नज़र नहीं आएगा, ये देखें आप, बहुत ही बढ़िया देसी घी के अंदर। और ये हलवा देसी घी का, 30 रुपये का 100 ग्राम हलवा है देसी घी का। तो भाई पूरी प्लेट का जो चार्जेस है वो है सिर्फ 80 रुपये, लेकिन है सब देसी घी का, कल्लन स्वीट जामा मस्जिद पर, 50 की दो पूरियां और 30 का हलवा। अब लेते हैं थोड़ा सा बाइट और करते हैं बिस्मिल्ला, ये ले लिया, आइए इसमें लगाएंगे थोड़े से छोले, ये देखें आप ज़रा, और उसके बाद लेंगे इसके अंदर आलू की सब्ज़ी भी डालेंगे भाई साहब,
और भरकर एक बढ़िया सा वाइट फेस बाबा की साइड से आप सबको। बिल्कुल सिंपल मसाले, लाजवाब छोले की क्वालिटी, लाजवाब क्वालिटी। मसाले बिल्कुल नॉर्मल, कोई हाई नहीं। आलू की क्वालिटी भी देख सकते हो आप, लाजवाब भाई। पूरी एक नंबर है भाई, और मजे आ जाएगा। और खाली अगर छोलों के साथ में खाऊंगा ना, यहाँ पर भाई ने दही का रायता भी दिया है, ये हल्का सा डालकर, और ये मजा आ जाएगा। जो देसी घी के खाने के शौकीन है ना भाई, वो जरूर यहाँ पर आए, आपका भाई वो चीजें दिखाएगा आपको, इसमें मजा आ जाएगा आपको। अब ये आलू के साथ एक बेहतरीन। अब जल्दी से लेता हूँ हलवा, रवे का हलवा है देसी घी का, ऊपर बादाम की टॉपिंग हुई हुई है, और ये आया हलवा गर्मा गर्म बिल्कुल। मुंह में आते ही देसी घी का स्वाद पूरा, मीठा बिल्कुल एकदम बैलेंस, मजा आ गया। बादाम जो टॉपिंग हुए हैं हल्के हल्के से क्रंच हो रहा है मुंह में, और भी ज्यादा मजा आ रहा है। तो जाम ईद का वेज वाला जो नाश्ता था मेरा पहला, वो कल्लन स्वीट पे था। अब आपको लेके चलूंगा दूसरा नाश्ता कराने के लिए, वो भी जाम ईद पर। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो लाइक कर दो इतने और शेयर कर दो, और जो अभी देख रहे हैं चैनल पे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर दो। चलो भाई, कल्लन में मैंने आपको नाश्ता दिखा दिया, अब चलते हैं जवाहर होटल पर, वहां का आपको खिलाऊंगा नहारी और पाए। आ जाइए। लो जी, मेरे सामने होटल जवाहर, आप देख सकते हैं, आज यहीं का आपको नाश्ता कराऊंगा। और ये समझ लो रहता मैं यहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ वीडियो के साथ। तो चलिए, यहाँ पर भाईजान बैठे हुए हैं, सलाम वालेकुम सर। और देखो, नाश्ते के लिए स्पेशल यहाँ पर तीन छोटी छोटी देके रखी गई हैं। सर इसमें क्या है ये दिखाएं पहले। देखो जी, ये आ गया मटन पाया। ओए होए 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 होए, ठीक है सर। और इसमें दिखाएं, देखिए जी ये मटन नहारी आ गई है। ये देखें नली का पीस, देखें आप, बहुत बढ़िया सर। और इसके अंदर देखिए जी, ये यहाँ की स्पेशल चिकन नहारी, ये देखिए जी पीस, देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया सर। और बिल्कुल बराबर में यहाँ पर रोटी का सेक्शन, और इनकी रोटी आपको पता है भाई साहब स्पेशल है रोटी के लिए। और यहाँ का आप लुक एंड फील देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना बढ़िया है। ये यहाँ का देख लीजिए रिसेप्शन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम भाई, और ये वेलकम। और बहुत बड़ा सा यहाँ पर देखिए एक्वेरियम फिश का। तो भाई लो, अब दूसरा पॉइंट जो है मेरा वो था होटल जवाहर, यहाँ का नाश्ता लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए, मटन पाया और मटन नहारी। कल्लन स्वीट खा लिया, मुझे आज आपको हेवी सा नाश्ता दिखाना था, वो भी VIP नाश्ता, एक्सपेंसिव नाश्ता। तो आओ चलते हैं टेबल की साइड, और ये इनका पूरा देखो आप डाइनिंग एरिया है। क्योंकि मैं बिल्कुल मॉर्निंग में आ चुका हूँ, इस टाइम हो रहा होगा तकरीबन 8, बड़ा ही मज़ा आ रहा है भाई। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन। नाश्ता नंबर 2 VIP एक्सपेंसिव नाश्ता,
हमारे सामने अल जवार की भाई नहारी आ चुकी है, मटन नहारी, और दूसरा आ चुका है मटन पाया। इसका रेट 340 है, और हाँ नहारी का रेट 340 है और मटन पाया का है 300, और 15 रुपये की बड़ी सी खमीरी रोटी एकदम। भाई रोटी तो आपको पता ही है, यहाँ की स्पेशलिटी है। अब देखें मैं आपको नहारी दिखाऊँ। नहारी के अंदर यहाँ पर भाई ने हमें 2 पीस दिए हैं, एक नली का बड़ा सा पीस ये देखें आप, और उसके साथ यहाँ पर एक ये आ गया दूसरा पीस, और इसी के साथ साथ यहाँ पर मटन पाया ये देखें पूरा, यहाँ पर आपको देख सकते हो पूरा पाया का एक नली के साथ पीस दिया है ये देखें आप, और एक एक्स्ट्रा नली हो रहे देखें आप, और सबके ऊपर अदरक हरी मिर्चों की टॉपिंग बढ़िया सी। तो भाई अब रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अल जवार का खाना बहुत सारी बार खा रखा है, लेकिन क्या है मैं इनकी वीडियो नहीं बनाता था, क्योंकि फेमस ऑलरेडी हैं, आपको पता है इनको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई हमें दिखाना है नाश्ता बढ़िया सा। हर किस्म के लोग हमारे चैनल पर हैं, जो VIP खाने ही पसंद करते हैं, जो महंगा खाने ही पसंद करते हैं, जो देसी घी का भी खाना पसंद करते हैं, जो नहीं खाना पसंद करते, सस्ता ज़्यादा महंगा सब तरह के लोग हैं, तो ये सबके लिए ही है। तो मैंने दिखाया कि मैं सबको दिखाता रहता हूँ, कम प्राइस वाले नाश्ते, अच्छी क्वांटिटी वाले नाश्ते सब दिखाता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए एक बढ़िया सा एक्सपेंसिव VIP अच्छे एम्बियंस के साथ, बिल्कुल हाइजीन के साथ बढ़िया करके एक नाश्ता। तो आइए करते हैं बिस्मिल्लाह नहारी से। ये मैंने पहले यहाँ की बोटी ले ली है, ये भोंग की बोटी आई है, देखो ये देखो आप ये आ चुकी, और ये पीस लेकर थोड़ा सा ग्रेवी के अंदर डिप करके बिस्मिल्लाह। देखो भाई हम नहारी के शौकीन है, वही बफ्फा नहीं गया, हमें उससे बढ़िया कोई नहारी नहीं लगती। पहली बात ये नहारी मटन की है, अच्छी बनी हुई है, जायकेदार है, बढ़िया है बस, क्योंकि मैं उस नहारी से कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन ये अपनी जगह बहुत बढ़िया है। बकरे का जो मीट है वो बहुत बढ़िया टेंडर हुआ है, बहुत अच्छा है, गरम बहुत है। ये देखो मैं आपको आराम से तोड़ के दिखाऊँ तो ये यूँ अलग हो गया, देखो देख रहे हैं आप आराम से ये आ गया नरोठे के साथ, देखो पूरी बोटी। तो मज़ेदार है भाई, तो अब आपको लेके चलता हूँ भाई मैं पाए पर। यह आ गया भाई मटन पाया, इसके अंदर नली, एक नली, और पूरा आप देख सकते हो ये पूरा पीस देख रहे हैं आप। तो पहले खाली ग्रेवी से लेंगे शुरुआत, ये देखें आप ये भर कर मैंने लिया, बिल्कुल बढ़िया जायका वाला निवाला। दो भाई पाया बढ़िया है नो शक, लेकिन थोड़ा सा क्या है धनिया का फ्लेवर ज़्यादा है। मुझे पर्सनली पाए के अंदर जो ग्रेवी होती है थोड़ी पतली अच्छी लगती है, इसकी थोड़ी सी थिकनेस पे ठीक है, ओवरऑल है बढ़िया, मज़ेदार है, जायकेदार है, थोड़ा स्पाइसी भी है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बाकी ये एक नली का पीस लेकर ऐसे ही खाऊंगा, और नरोठा देखें आप बहुत ही अच्छी तरह गला हुआ है एकदम, ये देखो ये खासियत है, बहुत प्यारे करके एकदम। नली के हिसाब से बकरे की जो उम्र वेट वही 8-8.5 किलो के करीब का है बकरा, वही नली बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन भाई मज़ा आ गया मुझे तो। आपको मज़ा आया वीडियो देख के तो भाई कमेंट्स करके बताओ, वीडियो को लाइक करो,
जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियो और नई नई वीडियो और नए नए जायके मैं आपको दिखाता रहता हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।